वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की बैठक, बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस समेत कानूनी और पार्लिमानी अमूर और सियासी मामलों पर तफसीली मुशावरत की गई। पीटीआई कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर इजहार अदम एतमाद, बानी पीटीआई के केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान पीटीआई राउफ हसन कहते हैं बानी चेयरमैन ने कोई डील की है ना ही करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में पार्टी रहनुमा आपस में लड़ पड़े, तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। तुम बाहर निकलो तो मैं बताता हूँ, शेर अफजल मरवत की नियाज अल्लाह नियाजी को धमकियां। झड़प शेर अफजल मरवत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान की वजाहत के दौरान हुई। बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान और उमर अयूब ने आगे बढ़कर बीच बचाव कराया। जराए के मुताबिक कोर कमेटी ने आजम स्वाति और मुराद सईद के सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दिए जाने पर खुशी का इजहार किया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और खालिद एडवोकेट ने बानी चेयरमैन के केसेस पर ब्रीफिंग दी। इजलास में तजवीज दी गई कि 30 मार्च को जलसे की इजाजत न मिली तो ईद के बाद जलसा जरूर किया जाए।